अस्सलाम वालेकुम, ये जो भी पैसे दिए उनके हक में मैं दुआ करूंगी। शुक्रिया, मैं हर टाइम दुआ करूंगी। 10 हजार 200 की मदद आ गई, शुक्रिया। हर टाइम दुआ करूंगी मैं आपके पास। मेरे बच्चे मैं अभी कोई भी नहीं थी, परेशान थी, इतनी मदद आई। और एक 10 हजार की मदद होना था मेरे को। जो जो ये पैसे दिए उनके लिए भी मैं दुआ करूंगी, और 10 हजार की मेरे को मदद होना, मदद करो मेरी। मैं आपके हक में दुआ करूंगी, हटे मेरे बच्चे भी करेंगे, मैं भी करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा कादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 22 सितंबर थर्सडे है, जुमेरात का दिन है। आप लोग को याद होगा 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बताया था कि जो बहन है बहुत ही ज़्यादा मजबूर, बहुत ही ज़्यादा हालात की मारी हुई है, क्योंकि इनके शोहर इस वक्त बीमार है, 3 छोटे बच्चे हैं। एक्चुअली ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 4 साल से हैदराबाद शहर में शाहीन नगर में रह रहे हैं। और इस वक्त ये बहन चाहती थी कि इनको मदद दी जाए, जैसे कि इनके घर में राशन की जरूरत थी, इनके शौहर के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, और इनको सी मशीन की जरूरत थी, और ये बहन चाहती थी कि इनको 20 हजार रुपये की मदद दी जाए। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इनको खिदमत खलुशी की तरफ से 10 हजार 200 रुपये की मदद आई है। ये ले लूँगा, ये 10 हजार 200 रुपये की मैं इनको मदद दी हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिन लोगों ने इनके लिए मदद दी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला उनकी कमी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके हर मकसद में उनको कामयाबी अता फरमाए। तो बस देखिए, आप लोग चाहे तो ये बहन को इस वक्त और 10 हजार रुपये की मदद की जरूरत है, तो जितना हो सके आप लोग जल्दी अगर इनकी मदद करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इनके शौहर जो है बहुत बीमार है, घर में एक बिस्तर पर पड़े हुए हैं, काम पर नहीं जा सक रहे हैं। जैसे कि चिकन की दुकान में काम किया करते थे, लेकिन वो काम पर भी नहीं जा सक रहे हैं। तो अगर आप लोग इनके इलाज के लिए, शौहर के इलाज के लिए मदद करेंगे तो बेहतर रहेगा, इनको और 10 हजार रुपये की मदद की ज़रूरत है। तो आप लोग देखिए, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 हजार, जैसे चाहे आप इनके लिए मदद दे सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी आकर इनसे मुलाकात कर भी मदद देना चाहते हैं तो डायरेक्ट अपनी फैमिली के किसी मेम्बर्स के साथ, यानी कि किसी लेडीज के साथ आइए, मैं बराबर आपको इनसे मुलाकात करवाऊंगी, आप बराबर इनके लिए मदद दे सकते हैं। देखिए, छोटे मासूम बच्चे वाली माँ है जिसका शौहर इस वक्त बहुत बीमार है, तो ऐसे हालात में औरत पर क्या गुजरती होगी, ऐसे हालात में औरत अपने आप पर कैसी ज़िंदगी गुजारती होगी, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इन बच्चों की मजबूरी समझ सकते हैं, इनके घर के हालात आप लोग समझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग देखिए, अगर कुछ ना कर सके तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप दुआ कर दीजिए। अगर आपको अल्लाह ताला नवाजा है, अल्लाह ताला आपने आपको दौलत दी है, तो प्लीज़ आप अपने अपने जो भी आपकी कमी है उसमें से आप ऐसे लोगों के लिए आगे बढ़कर मदद करेंगे, तो जाहिर सी बात है इनके दिल से आपके लिए दुआ ही निकलेगी। और बार बार यही कहती हूँ कि अगर आप लोग डायरेक्ट भी आकर मदद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आइए, अपने फैमिली के किसी लेडीज़ को साथ में लाइए, आप बराबर इनसे मुलाकात कर सकते हैं, इनके शौहर किससे मुलाकात कर सकते हैं, इनके बच्चों से मिल सकते हैं, बराबर आपसे जो हो सके आप इनके लिए मदद दे सकते हैं। खुदा हाफिज़, जज़ाकअल्लाह खैर।